के मालिक तेरा जिनकी दरगाह पर हम आए हैं और आप लोगों की मेहनत सबकी रंग लाई है। आप लोग सुनते चले आए हैं एक जमाने से, 40 साल से हम लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये कव्वाली फील्ड में 40 साल हो गए हम लोगों को गाते हुए, और हमारे जितने भी हमारे सामने के कव्वाल हजरात थे वो आपने देखा कुछ बैठ गए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए। बस ये है कि जब तक खिदमत का मौका मिलेगा, जब तक हमारी जिंदगी है, यूं ही आपकी खिदमत करते रहे, यही तमन्ना है। देखिए साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप कोहना में, और मुझे उम्मीद है कि पूरा प्रोग्राम आप अच्छा सुनकर जाएंगे। कमेटी के लोगों से तवज्जो, कैसे बहुत शुक्रिया जी। मतलब देखें साहब, प्रधान जी से भी हमारी मुलाकात बड़ी पुरानी है, वो हम और ये जाने पड़ोसी बनने वाला था मैं आपका, लेकिन वो हो नहीं सका ऐसा, क्योंकि मैंने इधर प्लॉट लिए थे कुछ, प्रधान जी ने हमारी बड़ी हेल्प की थी उसमें। ये 500 रुपए प्रधान जी की जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब देखिए प्रधान साहब, मालिक तेरा खास करम है, मालिक तेरा खास करम है, मालिक तेरा, मालिक तेरा खास करम है, मालिक तेरा खास करम है, हर घर है खुशहाली, 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 मालिक तेरा खास करम है, घर
पार्टी को लगभग 1500 रुपए नजराने में मिले हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब फैयाज भाई प्रधान जी का, और आप लोगों से भी तवज्जो चाहूंगा। देखिए पहला बंद क्या कहना है, रास्ता साफ कर दीजिए, हमारी माँ बहने आ रही है, उनको बैठने के लिए जगह काफी है, पीछे जो लोग खड़े हैं रास्ता छोड़कर खड़े हो। भाईजान की तरफ से आए हैं इस बात पर, अल्लाह तेरी शान निराली, मौला तेरी शान निराली। अब देखिए कैसी निराली शान है उस मालिक को मौला की तवज्जो। इस दुनिया से सबसे अशरफ मखलूक अगर है तो इंसान, मगर मखलूक तो उसकी और भी है। ये सब पानी के जो कीड़े हैं, मछलियां हैं, जितनी चीजें पानी में रहती है, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है। इनके बारे में शायर क्या कह रहा है, ये भी अल्लाह को याद करती है। कैसे, अब देखिए मछली ले लीजिए मिसाल के तौर पर, शायर का ख्याल है सताए इल्लल्लाह, बेटा खामोशी लगा, ये बेटा झगड़ा मत करो, खामोशी नहीं बुरी बात है बेटा, इन्हें दोनों को अलग अलग बिठाओ, झगड़ा मत करो बेटा। इधर देखो मेरी तरफ सुनो, इन दोनों को अलग अलग बिठा दो, टेंशन बना रहेगा नहीं थोड़ी में। मछलियां समंदर में जानिब से मिले हैं किस बात पर, है सदाए इल्लल्लाह बेज़बान पत्थर में, जिक्र तेरा
कहती हैं ऐ मौला मछलियां समंदर में और मछलियां समंदर इसीलिए तो कहना है क्या कि इस दुनिया से उस दुनिया जानिब से मिले हैं बहुत बहुत शुक्रिया किस बात पर ये पानी की मखलूक सुनाए सुभान अल्लाह। डॉक्टर मैसर अली पहाड़गंज वाले जिनका भूड़ा में हॉस्पिटल है उन्होंने डॉक्टर मैसर अली साहब ने हमें ये 500 रुपए का नजराना दिया है। इनका हॉस्पिटल भूड़ा में है और खिदमत करते हैं ये भी। आप लोग हमारे डॉक्टर साहब के लिए दुआ करें और ये शेर पूरा सुन लें। इस दुनिया से उस दुनिया तक खर्च मेहरबानी में पानी की मखलूक सुनाए हमको सदा पानी में Thank you.
इतनी मोहब्बतें मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने कहा ना ज्यादा लंबा छोड़ा, कोई कलाम मैं अभी नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, छोटे छोटे कुछ कलाम आपको सुनाने के लिए मैंने शुरू में एक हम और उसके बाद फौरन मैं नाते पाक पेश करूंगा। आखिरी बंद सुन लीजिए साहब। ऐ मेरे दोहना के भाइयों, पहली बार बुलाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो, अल्लाह आपको अच्छा रखे, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। असलम सैफी साहब जो ये कलाम के लिखने वाले शायर हैं, उन्होंने आखिर में क्या कहा है, मांग रहा है तू है हकीकत में सना तेरी है, हुस्न तेरा है हसीनों में अदा तेरी है, तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे, मैं भी राजी हूँ उसी में जो रजा तेरी है, मैं भी राजी हूँ उसी में जो रजा तेरी है, मैं भी राजी हूँ उसी में जो रजा तेरी है। मैं भी दो हर मसरत भी दे ही हम भी ₹50 आपकी जानिब से मिले हैं, किस बात पर, ये देखिए और ₹100 इस हम सना पर मिले हैं, किस बात पर, है मोमिनो हर मसरत भी ले ही हम भी वही देता है, धूप हर छाओ का मौसम भी वही देता है। क्यों ना उसी
मांगे, इसलिए शायर साहब असलम सैफी क्या मांग रहे हैं अल्लाह से, के मांग रहा